हर बार आप लोग का 10th लेवल पर ही अप्लाई होता है और इस बार भी 10th लेवल पर भी अप्लाई होगा। इसमें कुछ भी जो है चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ कुछ चेंजेस हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्त। देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे ही स्क्रॉल करते हैं, सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए 27/6/2024 को नोटिफिकेशन आया हुआ था साथियों। थोड़ी देर पहले भी हम आप लोग को अपडेट दिए थे, मगर उसमें थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पर आप लोग का कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक इसको जो है नोटिफिकेशन को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लोग का डेट का सबमिशन जो दिया गया है, यानी कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा, तो 27/6 से आप लोग का फॉर्म अप्लाई, यानी कि आज से आप लोग का जो है, कल से, कल रात में आप लोग का फॉर्म आया 10 तारीख को, और एक दिन तो आयोग भी खा गया, यानी कि 27 तारीख तो भैया आयोग खा गया, 27 तारीख को रात के 10 बजे फॉर्म आया। आप ही लोग बताइए कौन रात के भैया फॉर्म भरेगा, नहीं भरेगा, अगले दिन से कोई भी भरेगा। तो मान लीजिए आप लोग का जो है ये 28 तारीख से एक तरह से जो है फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और कब तक होगा, तो 31 तारीख तक, यानी कि 31 जुलाई तक आप लोग का ये फॉर्म अप्लाई चलने वाला है साथियों। इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट डेट वही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 31 तारीख तक रहेगा, 31 जुलाई तक और रात के 11 बजे तक साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। पेमेंट करने के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, पेमेंट करने के लिए आप लोग 1 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग करेक्शन की बात कर लेते हैं, तो साथियों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं 16 अगस्त और फिर 17 अगस्त को आप लोग इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, अगर आपके द्वारा फॉर्म को फिलअप करते वक्त नाम पता या फिर साइन वगैरह में कुछ भी गलत हो जाता है तो। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम आप लोग का साथियों अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट करा लिया जाएगा। जैसा आप सभी को मालूम हुआ कि ये रिक्रूटमेंट पहले ही निकल करके आती, मगर नहीं आई है, क्यों? क्योंकि भैया आचार संहिता के कारण सभी वैकेंसी में डिले देखने को मिला है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम लोग इसे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करते हैं ना हमारे छोटे भाइयों, तो स्क्रॉल करने के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर एमटीएस के लिए कितने सीटों पर रिक्रूटमेंट है और हवलदार के लिए कितने सीटों पर है। देखिए तो एमटीएस की अगर हम लोग बात कर ले, तो 4,887 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल करके आई हुई है। उसके साथ साथ हवलदार की बात कर लेते हैं, तो 3,439 सीटों पर वैकेंसी निकल करके आई हुई है। दोनों फॉर्म जो है साथियों 10th लेवल पर आता है, 10th वाले बच्चे इस दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फर्क यही रहता है दोनों में कि देखिए इसमें आप लोग का फिजिकल होता है साथियों हवलदार में, और यहाँ पर आप लोग का जो है एमटीएस में कोई भी फिजिकल नहीं होता है, सिर्फ आप लोग का एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोग का मेडिकल होकर के डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ जाता है साथियों। ठीक है, ये हो गया आप लोगों की वैकेंसी की सीटों के बारे में चर्चा हम कर दिए। उसके बाद अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हमारे दोस्तों, एज लिमिट जो है ना हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर आप लोग की मेंशन की गई है एमटीएस के लिए 18 से जो है 25 साल आप लोग की एमटीएस के लिए मेंशन किया गया है, एंड इसके साथ साथ हवलदार के लिए 18 से 27 साल आप लोगों का मेंशन किया गया है साथियों। कुछ पोस्ट आप लोग को एमटीएस में भी देखने को मिलता है, जिसमें साथियों आप लोग को 18 से 27 साल का एज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, रिलैक्सेशन बोले तो छूट, यानी कि छूट कौन से कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे एससी एसटी से भी होते हैं, ओबीसी से भी होते हैं, वो भी उनको जो है छूट का भी वेट रहता है। तो देखिए एससी एसटी के लिए साथियों 5 साल का आप लोग का छूट दिया गया है, और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, यानी कि सेंट्रल जो भी आप लोग की रिक्रूटमेंट आती है उसमें ओबीसी के एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट देता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग का छूट देखने को मिल रहा है साथियों। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन फी को अगर देखते हैं, तो एप्लीकेशन फी आप लोग का जनरल ओबीसी और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों 100 रुपये रखे गए हैं, और यहीं पर बात कर ले अगर हम लोग एससी और एसटी की, या फिर अदर्स में बात कर ले फीमेल की, या फिर पीडब्ल्यूएच के कैंडिडेट्स की, तो भैया इनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं रखे गए हैं, इनको लिए 0 रुपये रखे गए हैं, यानी कि सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देने होंगे, और किसी भी कैटेगरी को पेमेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं देने हैं साथियों। इसके साथ अगर हम लोग नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों का जो है एग्जाम में किस प्रकार से सिलेबस पूछेगा। तो देखिए एग्जाम का सिलेबस देखने से पहले साथियों हम आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस समझाने की कोशिश कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में होगा साथियों सीबीटी एग्जाम होगा साथियों, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या होता है, तो फिजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल किसके लिए, तो ओनली फोर हवलदार के लिए। ठीक है, एमटीएस के लिए सिर्फ सीबीटी एग्जाम होगा, फिजिकल जो है यहाँ पर भैया फिजिकल किसके लिए होगा, तो हवलदार पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, हवलदार के पोस्ट के लिए आप लोग का फिजिकल लिया जाएगा साथियों। उसके बाद आप लोग का क्या होता है, तो डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर मेडिकल होती है साथियों। ठीक है,
मेडिकल होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यही चार स्टेप होता है, ठीक है। तो चार स्टेप में सबसे पहले आप लोग का आता है सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साथियों, आप लोग के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए सबसे पहले आता है आप लोग का सेशन वन और सेशन टू। देखिए दोस्त, एग्जाम आप लोग का एक ही दिन में होगा मगर उस एग्जाम को दो पार्टों में बांट दिया गया है, पहला सेशन वन और दूसरा सेशन टू में, ठीक है। तो सेशन वन जो होता है ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्त। क्या होता है, सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना रहता है, यानी कि इसके नंबर से कोई भी लेना देना आप लोग को नहीं रखना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। और मेरिट बनेगा सेशन टू से साथियों। मेरिट किससे बनेगा, तो मेरिट आप लोग का सेशन टू से टोटल बनने वाला है। सेशन वन में जो है आप लोग का मैथ से और रीजनिंग से सवाल पूछेगा, 20 सवाल पूछेगा 60 नंबर का, 20 सवाल 60 नंबर का, ठीक है। यानी कि टोटल जो है 40 सवाल रहेंगे 120 नंबर के, एक क्वेश्चन आप लोग के 3 नंबर के, 45 मिनट का आप लोग का सेशन वन के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं सेशन टू में, तो जिससे आप लोग का मेरिट बनने वाला है, तो 25 क्वेश्चन साथियों आप लोग का जनरल अवेयरनेस से और 25 क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश से पूछेगा, यानी कि दोनों से आप लोग का 75-75 नंबर मिलेगा। यानी कि टोटल साथियों अगर हम लोग बात कर ले तो 150 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। कितने क्वेश्चन के लिए, तो 50 क्वेश्चन के लिए, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 3 नंबर का निकल करके आता है, इसके लिए भी आप लोग का 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि टोटल एग्जाम के लिए आप लोग को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा साथियों, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी आप लोग का यहाँ पर मेंशन किया गया है, 1/3 का आप लोग का इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा साथियों, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हम लोग को देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर आप लोग की आ जाती है फिजिकल, यानी कि जो आप लोग को फिजिकल होगी रिटर्न के बाद उसे अब हम लोग समझ लेते हैं फिजिकल में क्या लिया जाएगा। तो जैसा हम आप लोग को पहले ही बोले कि फिजिकल जो है आप लोग का द पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए, ठीक है, सिर्फ हवलदार के लिए आप लोग का फिजिकल होगा। तो देखिए फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले जो है यहाँ पर घूमना होगा, यानी कि टहलना होगा, किसको, मेल को 1600 मीटर टहलना होगा 15 मिनट में, ठीक है, दौड़ना नहीं टहलना है साथियों। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर यहाँ पर जो है टहलना होगा, 20 मिनट का फीमेल को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों की पीईटी कंप्लीट। उसके बाद आती है आप लोगों की साथियों पीएचटी। तो पीएचटी में आप लोगों की अब क्या होगी, तो मेल को जो है 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर बात कर ले चेस्ट, तो चेस्ट आप लोग का 81 सेंटीमीटर आप लोग का यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, एक्सपेंडेबल करने के साथ साथ, यानी कि ऐसे आप लोगों की जो है 81 सेंटीमीटर पंप करके होनी चाहिए। और यहीं पर बात कर ले अगर फीमेल की, तो हाइट आप लोगों की 152 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल का चेस्ट कभी भी नहीं नापा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, कोई भी जॉब हो इंडिया का फीमेल का चेस्ट जो है नहीं नापा जाता है। तो ये हो गया साथियों, अब यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल भी कंप्लीटेड। अब अगर आप लोग के मन में कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे दोस्त। आप लोगों को हम फुल इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन का, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को हम बतलाने की कोशिश किए और सारा आप लोग को बतला भी दिए हैं साथियों। देखिए इस नोटिफिकेशन में आप लोग का एग्जाम सेंटर भी मेंशन है कि बिहार में, जैसे मान लीजिए पटना में आप लोग का एग्जाम हो रहा है तो पटना में कौन से सेंटर पर एग्जाम होगा, तो सारी चीज़ें इसमें आप लोग की मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन आप लोग को हमारे टेलीग्राम लिंक पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम में आप लोग चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों का हम प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के वहां से आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा साथियों। और अगर आप लोग के मन में कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोग जो है रेलवे का दोस्त प्रिपरेशन करते हैं तो रेलवे के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नई नई जॉब्स भी हम आप लोग को बतलाते रहें, जॉब्स का अपडेट देते रहते हैं, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करना है साथियों, ताकि हमें भी थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।